आज हम आपको बताने वाले हैं पार्ट टू। पार्ट वन में आपको बताया था किस प्रकार से कंपनी बनाती है और उसको कैसे क्रिएट करती है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ नए ईआरपी सॉफ्टवेयर में नया खाता कैसे बनाएंगे और नया आइटम कैसे बनाएंगे। इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं अपने नए ईआरपी सॉफ्टवेयर से, जो कंप्यूटर जीएसटी सॉफ्टवेयर है। इसमें आप अकाउंट मेनू में जाएंगे। अकाउंट में जाने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है न्यू न्यू अकाउंट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे अकाउंट का नाम डालेंगे, वो MOHN1 सिंह। जिसे ऐड किया हमने, मोहन सिंह का खाता बन गया है। और ये सॉफ्टवेयर बता रहा है कि मोहन सिंह ऑलरेडी इसमें है, तो वो खाता डुप्लीकेट नहीं बनाएगा। इसके लिए हम आपको क्या करेंगे, इसमें राम सिंह के नाम से खाता बना देंगे। आपने राम सिंह का नाम ये किया, हमारा कस्टमर है, कस्टमर में डाल दिया। इस पर पिछला बकाया कितना था, डेबिट था या क्रेडिट था, वो आप डाल देंगे। इसका एड्रेस, ये कहाँ का है वो डाल देंगे। पिन कोड नंबर आप उसका डाल सकते हैं, स्टेट कौन से स्टेट का। और यहाँ इसका जीएसटी नंबर डालना तो वो भी आप डाल सकते हैं, जीएसटी नंबर और पार्टी फर्म है तो जीएसटी नंबर बंदे कलेक्टर का डाल सकते हैं। अगर देखो जीएसटी नंबर अगर गलत है तो यह रेट बता देगा कि आपका जीएसटी नंबर गलत है, ठीक है ना दोस्तों। इसमें आप आधार कार्ड नंबर डाल सकते हैं पार्टी का, और यहाँ पे आप पैन नंबर और बिल पेमेंट और सेव कर देंगे। तो इस प्रकार से बहुत इजी तरीके से इसमें खाता बन जाता है। और दूसरा जैसे खाता बनाना है, जैसे अभी हनुमंत सिंह का खाता बनाया, इसी तरह से हनुमंत सिंह का खाता बना सकते हैं। ये भी हमारा कस्टमर है, इस पर 2000 रुपये है हमारी पिछले, और यहाँ कहाँ कहाँ है वो डाल सकते हो, किस स्टेट का है। और यहाँ हनुमंत सिंह का अगर फोटो लगाना चाहते हो तो फोटो भी लगा सकते हो दोस्तों। इस तरह से ये खाते बना लेंगे। तो इसी प्रकार से हम न्यू पे जाके आइटम नया बनाना है तो बनाए। जैसे हमने वाटर बोतल बनाई थी पिछली वीडियो में, तो यहाँ पे हमें बटर बनाए टी वाटर 500 ml की हमारी पैकिंग है, वो हमने बना दिया यहाँ पे। उसमें परसेंट GST कितना है, टैक्स भी है, टैक्स भी किस कंपनी का वाटर है बना सकते हैं, लीटर में है ml में है, तो वो आप बना सकते हैं। यहाँ पे आप सेल प्राइस डाल देंगे, 20 रुपये की है, और वहाँ पर हम अपनी प्राइस डाल देंगे और इसको सेव कर देंगे। या इसका फ़ोटो भी लगा सकते हैं, या उसका जो वाटर है बोटल है तो उसकी किस तरह की पैकिंग है, वो आप लगा के सेव कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक बार कोड भी जनरेट करता है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा किस प्रकार से बार कोड जनरेट करता है। ये देखिए आप वाटर वोटर हमने बनाए थे, इसमें आप देखेंगे तो ये बार कोड भी जनरेट कर दिया। तो इस तरह से दोस्तों ये हमारा पार्ट सेकंड कंप्लीट होता है। फिर नेक्स्ट पार्ट में हम आपको बताएंगे किस प्रकार से सील करेंगे, किस प्रकार से। थैंक यू।